हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि BTS मेंबर रन BTS के दौरान काफी सारे गेम खेलते हैं, इसी वजह से उन्हें हर चीज काफी अच्छे से आता है। और फ्रेंड्स, ऐसा भी काफी टाइम देखा जाता है कि BTS मेंबर जो गेम अपने लाइफ में नहीं खेले होते हैं, उस गेम को भी रन BTS के दौरान BTS मेंबर काफी अच्छे से खेलते हैं, जिससे फ्रेंड्स यही पता चलता है कि BTS मेंबर के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, वो हर चीज को पॉसिबल कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही जब एक बार BTS मेंबर द टुनाइट शो, जिसमें जिमी फैलन एंकर हैं, उस शो में गए हुए थे, उस टाइम BTS मेंबर ने अपने काफी अच्छे से टैलेंट को शो किया था, क्योंकि फ्रेंड्स उस शो के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम BTS मेंबर से खिलवाया गया था, जिसमें BTS मेंबर ने अपने टैलेंट को शो किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि द टुनाइट शो में जिमी फैलन ने BTS मेंबर से कौन सा गेम खिलवाया और किस गेम को BTS मेंबर ने काफी अच्छे से खेला था, तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिमी फैलन के द टुनाइट शो में BTS मेंबर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेला था, जिसमें BTS मेंबर को एक कोई चीज दे दिया गया था, जिसमें उन्हें काफी सारी चीजों को डालना था। और फ्रेंड्स, उस टाइम BTS मेंबर ने उस छोटे से चीज में उतने सारे चीजों को काफी अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। और फ्रेंड्स, BTS मेंबर की इस गेम की वीडियो जब आर्मेज के बीच वायरल हुई, तो आर्मेज को काफी ज्यादा अच्छा लगा और आर्मेज ने उसे और भी ज्यादा वायरल करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उस गेम की वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। Up in this bed next to you, swear the room here got no ceiling. Like me better when I'm with you. कितना दम लगा कर और साथ ही साथ काफी सारे BTS मेंबर तो इस चीज में सक्सेस भी हो गए। फ्रेंड्स, BTS मेंबर के इसी टैलेंट की वजह से काफी सारे आर्मीज का ऐसा कहना है कि BTS मेंबर कभी भी कोई भी टारगेट अधूरा नहीं छोड़ते हैं, वो उसे पूरी कोशिश करके पूरा करने की कोशिश करते ही हैं और वो करने में सक्सेस भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या आपको भी BTS मेंबर का खेला ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या फिर नहीं, अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।